हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाना सीखेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ब्लूटूथ रिसीवर है मेरे पास, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। एक इसमें एक राइट वाला प्लग पॉजिटिव होता है और लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है बैटरी के लिए। और हमने इसकी वायरिंग कर दी है, बहुत सिंपल है। मैंने इसके फिगर डाल दिए, आप देख सकते हैं साइड में। ये एम्पलीफायर मॉड्यूल है, 5 वोल्ट का। इसके प्लस और माइनस वाले वायर एक तरफ कर दिए हैं और स्पीकर के वायर एक तरफ हैं। और ये ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए था, लेफ्ट राइट। और ग्राउंड का कनेक्शन हमने एक तरफ कर दिया है, राइट का कनेक्शन लेफ्ट राइट में कर देंगे। हमने फिगर डाल दिया है साइड में, आप देख सकते हैं। और ये ब्लूटूथ का भी प्लस माइनस बैटरी कनेक्शन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है मैंने। मॉड्यूल का कनेक्शन और ब्लूटूथ का कनेक्शन दोनों एक कर दिया है। और स्पीकर को ऐड कर दिया हमने एम्पलीफायर बोर्ड से। जो ये स्पीकर मैंने छोटा सा लिया है, मोबाइल का है। चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले इसको एक जगह फिक्स कर लेंगे छोटा सा, ताकि ये जगह कम खराब जगह हम लोग की बचत हो सके, कम से कम जगह ये रहे। टेप लगा देंगे ताकि वायर उलझ जाए ना आपस में। वायर ताकि उलझ जाता है तो बाद में दिक्कत करती है, वायरिंग खुल भी जाती है। एक हम लोग छोटे से डब्बे में इसको रखेंगे। मैंने इसमें पहले से ही एक स्विच लगा रखा है। स्विच के कनेक्शन ये देखिए, एक ब्लू वायर और एक रेड वायर, ये अलग है। और एक हमने पावर सोर्स भी लगा रखा है ये चार्ज करने के लिए। उसके रेड वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के रेड वायर से। और उसके ब्लू वायर को बैटरी के ग्रीन वायर से कनेक्ट किया ताकि ये डायरेक्टली चार्ज हो सके। और ऑन ऑफ स्विच के हमने रेड वाले वायर को बैटरी के रेड वाले वायर से जोड़ दिया है, जैसा कि दिख रहा है आपको। ऑन ऑफ स्विच का एक सिरा खाली रखेंगे, वायर एक वायर खाली रखेंगे अपना ब्लू वाला, रेड वाला हम लोगों ने ऐड कर दिया है। चलिए इसको टेप लगा देते हैं। रेड वाले वायर को एक तरफ कर लेंगे और ब्लू वाले वायर को एक तरफ कर लेंगे। चलिए इसको कवर कर देते हैं। कवर करना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। चलिए अब ये कवर हो गया। अब ये ऑन ऑफ स्विच का एक वायर, जो कि रेड वाला वायर हमने कनेक्ट किया था, तो इसको रेड वाले अपने मॉड्यूल से रेड वाले कनेक्ट कर देंगे, जो कि ब्लूटूथ का और मॉड्यूल का एम्पलीफायर मॉड्यूल का प्लस माइनस वायर एक ही है, इसलिए हमने सब बैटरी के प्लस वाले वायर से कनेक्ट कर दिया। इसको भी टेपिंग कर देंगे ताकि वायरिंग कहीं से लूज ना हो। अब हमारी फाइनली वायरिंग बची है, ग्रीन वाली वायर। ब्लू वाली वायर को बैटरी के ग्रीन वाली वायर से अटैच कर देंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वायरिंग बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इस पे और वीडियो बना सकता हूँ। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, इसको अच्छे से कर देंगे, लूज ना हो। चलिए ये हमने इसको फेविक्विक से चिपका दिया है, पेस्ट कर दिया है, मतलब ये चार्ज भी कर सकते हैं इसको, जो हमने कनेक्टर लगाया था। चलिए इसको चार्ज करने के बाद अब यूज करते हैं। ये मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, पावर ऑन कर दिया स्पीकर का। और ये हमारे डिवाइस का नाम है BT136। इसको कनेक्ट करने के बाद एक गाना सेलेक्ट करते हैं कोई भी। चलिए सॉन्ग में गए और हमने लगा दिया एक सॉन्ग।
दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।